एक छोटी सी गीत आपके बीच में प्रस्तुत है बिरहा के रूप में। ज्यादा समय न लेते हुए आइए मास्टर साहब, बिरहा का प्रारंभ है। चला भोले बाबा यही बिचारी चली भय निरप दशरथ के द्वारी, भेष मदारी का सिवापन लिए बना। प्रांजल बबुआ का जन्मदिन मनाया जा रहा है और वैसे महाराज दशरथ जी के महल में एक ना ही चार चार लड़कन के जन्मदिन मनाया जाता। स्वयं हरि नारायण बाबूजी राम रूप में अवतार लिए हैं, माता पिता के हृदय में अति उत्साह है। कैलाश पर्वत से बाबा भोलेनाथ चले मदारी का भेष धारण करके राम का बाल लीला देखने के लिए, जन्म दिवस का लुफ्त लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। और चले तो पहुंचे कहां, हनुमान जी के लगे। भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद लेंगे, हास रस सुनने वाले मनोरंजन लेंगे। भैया श्रीमान सुबेदार यादव जी दीवान साहब हरचंदपुर की पावन धरती से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। श्रीमान रामचंद्र यादव जी हेमापुर की पावन धरती से 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, जय श्री कृष्ण। कवि को संकेत करना पड़ा, जब चले तो बाबा भोलेनाथ के रूप कैसन बा। बजाते डमरू भोले दनिया, बजाते डमरू भोला दनिया, चली भाई अवध किस ले टांग बगल में झोला। बजाते डमरू भोला दनिया, हनुमान जी के कहां अपन भारी भरकम वाला रूप जोन बा। एके तनी कुछ देर बदे बदल द, एक ठे छोटा सा बंदर बन जा। और छोटा सा बंदर हनुमान जी बन गए बाबा भोलेनाथ मदारी। बंदर रूपी हनुमान के लेके झोली कंधे पर टांगे हाथ में डमरू, डिम 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 बजावत चल दिए। और जब चले तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी, मास्टर साहब कहना है। अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी। श्रीमान राम अवध यादव पुत्र लवकुश यादव सेवरी की पावन धरती से सादर 205 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है, जय श्री कृष्ण। भैया हो कवि को लिखना पड़ा, गाने के अंदर भाव है, कहना है। डमरुआ हो शिवजी डिम डिम बजावे, डमरुआ हो शिवजी डिम डिम बजावे, डमरुआ हो शिवजी डिम डिम बजावे,
अच्छा बड़े भैया अजय सिंह जी होलापुर से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किए, मालिक सुखी रखे आपको। अरे डमरू बजाते धरे सिंह डगरवा, संगवा में हनुमत रहले बनरवा, सब ही के भाव डमरुआ हो शिवजी डिम डिम बजाओ। सेवा में श्रीमान समाज के सम्मानित माननीय श्री लल्लू राम यादव जी कोटेदार महोदय जी धोबहा की पावन धरती से सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किए हैं, बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। डमरू बजावत बजावत पहुंचे कहाँ अयोध्या में, तो कहते क्या है अयोध्या वासियों से, कहते हैं एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है बिरहा जगत में ये धुन गाई गई, आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना बतावा ड्राइवर बाबू किराया ले बा। कितना सुनने वाले भैया कातन लगाए जावा करा श्रीमान रमा शंकर यादव उर्फ दिलदार साहब, प्रभारी फूलपुर उपचुनाव 2024 का जोर शोर से होना चाहिए, और आप अपने प्रत्याशी के ऊपर अवश्य ध्यान रखें। ये सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया माननीय श्री रमा शंकर यादव जी उर्फ दिलदार साहब की ओर से। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका व्यवहार भी कुशल है। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। श्रीमान रंगलाल यादव जी ड्राइवर साहब होलापुर से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किए, बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। सुने वाले बाबूजी, लेकिन यही गाना के आज के 100-150 साल पहले हमारे देश के मतारी बहन लोग गावे कब, जब मई जून के गर्मी वाली लगन पर मड़े में दुल्ही दुल्हा बियाहे के चौरी पर बैठे, तब घराती बराती एकदम पसीना से तर बतर, तब फर्राटा पंखा कूलर एसी के व्यवस्था ना ही रही, तब हैंड फैन रहा। हाँ पंखा हाउ की जाए हाथे से, वो अपने हाथे बिना जाए भैया हो, तब मतारी बहन लोग गाँव वो समय में। सास बोले कड़वी बोली, सास बोले कड़वी बोली, सरहज बोले नरमी, तनी हटके बैठा ये दूल्हा, दुल्हन के होले गर्मी, तनी हटके बैठा ये दूल्हा। जितना निकरता पुरनकिन के नई होता, लेकिन बिरहा में भाव है। सेवा में श्रीमान पूज्य बाबू श्री शिव शंकर यादव जी प्रधानाध्यापक महोदय जी शिक्षा शिवालय के सजग प्रहरी पूज्य गुरु जी, बैंसपुर की पावन धरती से पूजनीय गुरु जी की ओर से सादर 501 रुपया दे करके आशीर्वाद दिया गया, सादर चरण स्पर्श आशीर्वाद दे के हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हों। सेवा में श्रीमान सुनील पाल जी जगदीशपुर भावी जिला पंचायत के सदस्य हैं आप, आपके कर कमलों द्वारा सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया, बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। लेकिन बिरहा में भाव है कहना है, आवा भाई खेल देखिया, के कहता मदारी रूपी बाबा भोले, आवा भाई खेल देखिए, अच्छा खेल देखा ही भाई, हाई डमरू बजा बजा के।
ई बंदर आज नचई बई हो डमरू बजा बजा के अच्छा महादेव यादव मेमोरियल पब्लिक स्कूल कांगापुर की पावन धरती से डायरेक्टर शशि कुमार यादव जी की ओर से सादर 251 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत गुरु जी के श्री चरणों में सादर नमन है। श्रीमान दिलीप चंद्रपुर की पावन धरती से ग्राम प्रधान महोदय जी श्री विजय प्रकाश बिंद जी की ओर से दिलीप चंदपुर की पावन धरती से सादर 101 रुपया। श्री मुन्नीलाल बिंद जी सरपंच भीटी दिलीप चंदपुर से सादर 101 रुपया। दोनों महान भावों को सादर नमन करती हूँ, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। एक मिनट रुक जा भैया, नमो बोल। राजपति पाल, श्रीमान राजपति पाल जी भगवतीपुर की पावन धरती से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत नमन है आपको। स्वर्गीय श्री राजमणि बिंद जी पूर्व प्रधान महोदय जी के सम्मान में पूज्य आपके सम्मान में ये पुरस्कार आया है। सादर 101 रुपया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ। माननीय प्रधान जी के श्री चरणों में सादर सदा सुमन समर्पित करती हूँ। उत्तम सिंह यादव जिला पंचायत। श्रीमान उत्तम सिंह यादव जी पूज्य माननीय श्री उत्तम सिंह यादव जी जिला पंचायत सदस्य मसाढ़ी की पावन धरती से सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। ये जो पुरस्कार सम्मान आ रहा है हमारे बड़े भैया जी श्रीमान राम सिंह यादव एडवोकेट साहब के सम्मान में आप सब आए हुए हैं, क्योंकि बहुत ही कुशल व्यवहार है आपका और इस परिवार से लगाव है। शायद 2021 में कार्यक्रम हुआ था और हम लोग आए थे, पिछले वर्ष भी फोन गया था तो हम खाली नहीं थे, इसलिए किसी और कलाकार का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और इस वर्ष ये तीसरा वर्ष कार्यक्रम हो रहा है। ना ही न भैया, जब नंदनी न गई तो न हुई। सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन। माननीय एडवोकेट साहब के पूरे परिवार से बहुत बड़ा प्यार आशीर्वाद हमें मिलता है। बहुत बहुत सादर नमन। हमारे जितने भी अतिथि आए हुए हैं एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि सम्मान हमारा परम कर्तव्य है, सम्मान करना चाहिए। रहा इधर ठीक बन, हाथे से न बजे ही मन से बजे ही। अच्छा एक दाई बजाइन द देखिन ले ये सब। हाँ क्या बात है। बहुत बहुत सादर नमन है। गाना के अंदर कवि को लिखना पड़ा, बाबा भोलेनाथ जी कह रहे हैं नर और नारी आवा बूढ़ा वा जवाना वा। चावल दाल लेके आवा पैसा या पिसाना वा। हमरे ना ही खेती बारी, हमरे नाही खेती बारी ये कमाई खई बई है डमरू बजा बजा के। ई बंदर आज न चई बई हो डमरू बजा बजा के। ई बंदर श्री परमेश्वर यादव सीनियर हाई कोर्ट प्रयागराज हमारे बड़े भैया जी श्रीमान राम सिंह यादव एडवोकेट साहब के पूज्य गुरु जी की ओर से सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत हम आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत सादर नमन। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।
श्रीमान दयाराम पाल जी 101 रुपया, श्रीमान रामजीत पाल जी 101 रुपया भगवतीपुर की पावन धरती से। दोनों महान भावों के श्री चरणों में सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। मदारी डमरू अजब बजाई, सुन के मोहित भय रघुराई, बजाते डमरू भोला दनिया, जाई कहाँ मात से डमरू पर मन डोला, बजाते डमरू भोला दनिया। इतना बढ़िया डमरू बजाएं, कहो था हमरे ना ही खेती बारी है, कमाई खैबे है, डमरू बजा बजा के ही बंदर यार। इतना बढ़िया डमरू बजा रहे हैं, इतना बढ़िया बानर रूपी हनुमान जी नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। डमरू का आवाज बंदर के नाच सबके मनोवे मोह लिया। पूरी प्रजा में बाबूजी खुशियों का माहौल दौड़ गया कि बड़ा बढ़िया खेला दिखावा था मदारी। डमरू के आवाज गई के करे लगे, करे महल में बाल लीला कर रहे प्रभु राम के कानों तक जब पहुंची, तब माई कौशल्या जी से कह रहे हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है और आप परम आदरणीय पशु डॉक्टर श्रीमान गिरधारी लाल यादव जी धोबहा की पावन धरती से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। बहुत बड़ी महानता का कार्य है बाबूजी, इंसान बोल के अपन दुख कह देता, लेकिन पशु के आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, अनबोलता जानवर हैं, लेकिन आप देखिए ये महान कार्य कर रहे हैं समाज में। बहुत बहुत सादर नमन है। हाँ तो पैसा मनमानी लेती ना, 12-13 रुपया ले ले। तर्ज की लाइन है, कहना है जियो स्वर्गीय बाबू राम कैलाश जी के कबो कबो गावे। लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतन बिका, लागली बजरिया गमपुर सबके अपन अपन गाना रहा। अरे ससुरे से रुसली बाती यवन हो, धैली नैहर की राह, गंगा मैया बह तू की नरवन हो, लेते सजना ना कहा, गंगा जी के ऊंची बायर रियन हो, जहां बैठे भगवान। लेकिन बिरहवा में भाव कहना है, दूसरी लाइन गाना के बोले कि चतुर चतुर करई सौदन हो, मूरख खड़ा पछताई। लेकिन प्रभु राम कह रहे हैं माँ कौशल्या जी से, अरे प्रभु बोले माता से पाया नवन हो, सुना बतिया हमार, प्रभु बोले माता से पाया नवन हो। श्रीमान कन्हैया लाल यादव जी सेवरी की पावन धरती से सादर 101 रुपया, बहुत बहुत नमन है। राज डेकोरेशन श्वेता ब्यूटी पार्लर भगवतीपुर धोबहा प्रयागराज, ये जो मंच की सजावट हुई है, डेकोरेशन किया गया है, आप ही की कारीगरी है। सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। कभी जी अबे रात भर गावे के बाद ना ही बढ़िया कारीगर हैं बेचारू,
कभो आवश्यकता पड़े तो संपर्क कैली है। हाँ तब खुशी हुई ही, आजकल ही पे उधान ही है लिखावे बरे खाली। इस सेवा में श्रीमान राज डेकोरेशन की ओर से जे भी भैया लोगन का जरूरत पड़े भैया संपर्क जरूर करिए। ये डेकोरेशन सजावट आप ही के द्वारा किया गया है, नमन है आपको, कहना है बाबूजी। कहाँ रघुराई माता माना मोर कहानावा, न हो सुना बतिया हमार। माई कौशल्या जी से कहे माँ जो डमरू मदारी बजा रहा है वही हमको चाहिए। माई कौशल्या समझावत है इनके बेटवा मदारी कहो ताकि हमारे ना ही खेती बारी ये कमाई खेब उ डमरू ओकर रोजी रोटी है। और जब आप ले लेबे तो बेचारा कैसे कमाई या कैसे अपन बाल परिवार चलाई। लड़का जिद्दी आई गये तीन माई समझाता नहीं है बढ़वाई ले ले बाबा एक लड़का जिद्दी आई गये वह तीन हठ बहुत बेकार होते कठोर होते कवन कवन राज हठ बाल हठ तिरिया हठ। लड़का हठ कैली है कि चाहे तो हमें वह चाहे, अगर न चाहे न मिला न हम भोजन करब न हम खीर खाब न हम दूध पियब न केहू से बोलब न सुतब न मुतब। वैसे सूरव दास जी ठीक ही कहा था भगवान पैदा भरहन तो मनई के रूप में कि न हम खाब करब न बोलब करब। लड़का जिद्दी आई गे, अब लड़का चाहे राजा महाराजा के हो चाहे मामूली इंसान के केहू के हो चाहे केहू गरीब के लड़का हो, जिद पकड़ लिहस तो पकड़ लिहस, बाल लीला तो करते है। और जब लड़का जिद्दी आई गे तब माई कहत है का कहते हैं भैया हो बिरा में बड़ी बेजोड़ धुनबा और आज बारात जात है तब बारात में डीजे बजता लेकिन पहले के जमाना में जब बारात जाए तो डीजे ना ही रहा, सादा बाजा रहा वो हमन कईयो कलर के रहा। हम बजावे थोड़ो कहा था भैया कहा था आज बाजा रहा बैंड पार्टी रही जो हमारे दादा बाबा लोग बैठे हैं जान रहे हैं। बैंड पार्टी में एक गवैया लेडीज के आवाज में भी गावे जेंट्स के आवाज में भी गावे दो गला रहे दोनों गला के रहे कहे का मतलब ये है कह दे कि डबल आवाज में गावत रहे एक कई बात कई अर्थ में बोलत ही भैया हो बाबा। अब तू लोग बहुत दूर तक पहुंचे थे लेकिन हम गावो थे जोनो के सुने तब गावो बैंड पार्टी पर गावत रहे कैसे गावत रहे मास्टर साहब रहा फिल्मी गाना लेकिन वह समय बैंड पार्टी पर गावो ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। माई अपने लाल के समझावत है मान जाएगा मान जाएगा लाल मेरी बचनिया मान जाएगा मान जाएगा
लाल यादव जी, अंकित के दादाजी हूँ, सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है बाबा। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन है। जय श्री कृष्ण भैया हो, जय हो। माई लाख समझावत है लेकिन लड़का जिद पकड़ लिहेस्त, पकड़ लिहेस। गाना करीब में है, माता परेशान हो गए कि अब लड़का न माने। अपने पुत्र के प्रसन्नता के लिए अपने पति के लगे संदेशा भिजवावत है। महाराज दशरथ जी विराजमान है सिंहासन पर और दरबार में बड़े बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ है। सेवा में श्रीमान लाल जी बिंद जी भगवतीपुर से सादर 101 रुपया नमन है आपको। अच्छा ये भैया अजय सिंह ड्राइवर होलापुर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की ओर से, ये हमारे सूरदास जी के लिए सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। जय श्री कृष्ण। खाता खुल गया। वाह 20 रुपया में कम बा, कवर रेट लगाओ थे, पुराना ही रेट 70 है। वो संत मनाई है जब से हाँ इनके लाइन बढ़ा तो तुम माना 2024 भरे में मतलब उनके लपेट ही लेबा तब ही मन में। क्या कर रहे भैया हो, हंसी मजाक अपने जगह पर बा। गाना करीब में है, कवि को संकेत करना पड़ा। महाराज दशरथ जी सिंहासन पर विराजमान, बड़े बड़े महापुरुषों का जमघट लगा हुआ है और समय दरबार में देवर्षि नारद जी, श्रृंगी ऋषि जी, गुरु वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ जब सुने तो अपने लड़का के जिद पूरा करे बदे मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ से कहते क्या है, कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है मास्टर साहब। नियरे बियाह बई हो, माई कहाँ की बेटी नियरे बियाह बई हो, बपई कहाँ की बड़ी दूर हो, माई कहाँ की बेटी नियरे बियाह बई हो, बपई कहाँ की बड़ी दूर हो, लेकिन बिरह में भाव है, कहना है बाबूजी। बोले है दशरथ माँ दारी दडमरू हो, चक्रवर्ती सम्राट लेकिन लड़का के कारण अपने झुके के पड़ता, औलाद के कारण झुके के पड़ता। पिता तो पिता होता है बाबूजी, माई भी मजबूर हो गए पिताजी से जब नाई बर्दाश्त भय कि सारा धन दौलत लड़के बदे बा, जब वही न खुशी रही ही तो हम का करब। ये देखा हमरे राम सिंह भैया जी, आप अपने बेटवा के जन्मदिन थाने हैं, चाहते हैं तो खाली केक काट के पूरी सब्जी पूरा परिवार खाए के फुर्सत हो जाते हैं। हाँ लेकिन नाम ही बदे इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर दिए। हाँ, हाँ कम से कम हजारों आदमी का भोजन पानी दरवाजे पर हुआ, ये बहुत बड़ी बात है बाबूजी। काहे बदे कि हमारे लड़का का आशीर्वाद मिले। भैया हो कहना है क्या? बोले है दशरथ मादारी दडा मारू हो, बोले है दशरथ मादारी दडा मारू हो, दे भाई की मतिया चुकाए हो, लनावा हो, भोजन कराई नहीं जाई हो, भोजन कराई नहीं।
सुनने वाले बाबूजी, प्रांजल यादव जी के पिताजी, समाज के सम्मानित परम आदरणीय परम सद्धे बड़े भैया जी श्री राम सिंह यादव जी एडवोकेट साहब, भैया जी की ओर से सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। और प्रांजल यादव जी को बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार, दुलार, सम्मान मिले, ताकि आने वाले समय में आपका भविष्य उज्ज्वल हो, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपने पिता के तरह समाज की सेवा करें। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन। जय श्री कृष्ण भैया हो। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि जिंदगी में रुपये पैसा धन दौलत न कमाए चाहे, कभो कभो जसव कमाई लेके चाहे, चाहे हमार लड़का जिद्दियान भाई है डमरुआ दे देता, जब बजाय ले ही उनकर इच्छा पूरा हो जाए तब हम लिया के लौटा दे भाई। बाबा भोलेनाथ कहा ये भाई हम कमाई न पाए है, मेहरारू लड़किया छोड़ के आई है। दशरथ जी के का पता कि ये भोलेनाथ है ना है, साधारण मदारी समझ के कहा कुछ पैसा वैसा ले ले, जवन चाह तवन धन दौलत दे दे डमरुआ। जब इतना बात सुने बाबा भोलेनाथ तो गुस्सा आ गए। गुस्सा में करत का है शिव जी डमरू, जब शिव जी किए जरा ना खटका, डमरू यवनी पर तब पटका, अरे झटका लगा मही के तुरंत पांच ठी होला, बजाते डमरू भोला दनिया। मारे गुस्सा में दाना पानी नहीं पूछत हन कि चला कुछ खाए पी ले, आवत हन तो हमारे रोजिन रोटी पर धावा बोलत हन डमरू दे दे, हला ले उठाए के डमरू जमीन पर पटक दी है ना, एक डमरू में से पांच डमरू हो गया। डमरू बच्चा दे दे, हाँ दिए हो भाई, वो समय में अब अगर हम रही हो तो पूरा कन्फर्म ही बता दे भैया, एक डमरू में से पांच ठी हो गए। अजय पांच ठी हो गए कहा हल्ला ले ले जा दे दे, एक खे नहीं खूब बजाऊ है वो नहू बजाऊ है। हाँ उनकर मायू बाबू बजाऊ है। नारद जी सोचत हन कि हम ही ले चली दे दे जहिए खुशी हो जाए। बिरहा के अखेरी तर्ज और अंतिम निष्कर्ष, आखिरी प्रमाण कहना है मास्टर साहब। कबो कबो ये नहु के डमरू बजाओ एक मन कह दे, एकर घर एक ध्यान लग जाते है। अब खेत पलेवा ना की तर्ज है अपने जमाने का, यह सुपर हिट धुन रही। चलते मुसाफिर को मोहिली और पिजड़े वाली मुनिया, लेकिन गाना के अंतिम निष्कर्ष का निकलता, जब पांच डमरू हो गए नारद जी हाथ लगावत हैं डमरू में तो होत का बा, नारद जी हाथ लगाए दिए हो बने बाकी दुल्हनिया, नारद जी हाथ लगाए दिए हो बने बाकी दुल्हनिया, नारद जी हाथ लगाए दिए हो बने बाकी दुल्हनिया। आइए आइए, और बड़े भैया राम सिंह यादव जी से निवेदन है, देखिए भदोही सूर्यामा से चल करके आ रहे हैं पूज्य माननीय श्री धर्मराज यादव जी। डॉक्टर थोड़ा कुर्सी उर्सी हो एक आध दो ठीक व्यवस्था कर दे। आपका कार्यक्रम हमने बताया है, सूर्यामा भदोही से चल करके आ रहे हैं माननीय श्री धर्मराज यादव जी, खड़गपुर सूर्यामा भदोही से। बहुत बड़ा दंगल आपके देख रेख में किया जाता है और बड़े ही हसमुख कलाकार वास्तविकता में
अब बड़ा चुलबुला हुआ नहीं, अभी रहियन का बहुत दुलर हुआ। हमारा छोटा भाई है मंजीत, हकीकत में ऑलराउंडर कलाकार है, नहीं तो हम लोग ढोल सम्राट कहे थे। हाँ सही है, बिरहा सम्राट बहुत होती, पांच छह जिला में बजावा थी। ये देखिए आगे तो जाना तो बड़ा होनहार लड़का पैदा किए। हाँ बात तो सही है, देर में पैदा किया लेकिन नगद की है। क्या बात, आप हैं मंजीत कुमार, बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं ये, और बहुत ही अच्छी कलाकारी इनको माता सरस्वती जी ने दिया है। खत्म बिल्कुल नहीं, शुरू में वंदना वंदना हो तो साज बात सेट करे में थोड़ा 10-5 मिनट लग जाता, ध्यान रखब। हाँ, आपकी गाइडलाइन का पूरा, आपका आदेश हम लोग पालन करेंगे। परम आदरणीय माननीय श्री धर्मराज यादव जी, सूर्यावा खड़गपुर की पावन धरती से, मकर संक्रांति के दिन बहुत भव्य दंगल लगता है और लगभग लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ होती है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। आपके कर कमलों द्वारा सुंदर पुष्पहार सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया, और हमारे मंजीत बाबू ढोलक मास्टर की ओर से कई बार संगत आपने किया है, हम लोगों का भी सहयोग किया है, सुंदर पुष्पहार बहुत सारा रुपया मंजीत बाबू की ओर से पुरस्कार आया है। मालिक आपके सदा सुखी रखे, जहां रहा ऐसे हंसत बोलत रहे। और हारमोनियम मास्टर, बड़े ही शानदार हारमोनियम वादक हैं आप, रवि शंकर मास्टर साहब की ओर से खड़गपुर, खड़गपुर सूर्यावा की पावन धरती से सुंदर पुष्पहार सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। और हमारे पूज्य बाबू श्री धर्मराज यादव जी के छोटे भाई हैं, बिरहा के बड़े ही शानदार कलाकार हैं, प्रदीप कुमार यादव जी खड़गपुर सूर्यावा की पावन धरती से सुंदर पुष्पहार सादर 200 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, आगे बढ़े। आप सब आए इस कार्यक्रम में, हम हृदय की गहराइयों से अपने मंच की ओर से आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। हमारे मान सम्मान के लिए जहाँ तक आवाज जाती है आप सब वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं, बहुत बहुत मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। भैया हो अंतिम लाइन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है नारद जी डमरू में हाथ लगाएं, जब डमरू में हाथ लगाए सोच ले चली दई दे, हम पहले देव तो प्रभु बजाए लही तो हमारे ऊपर खुश हो जाये। जैसे डमरू में हाथ लगाए बजावे कोशिश करत है बाबा भोलेनाथ, अपन माया फैलाए दिए नारद जी नर से नारी हो गए। नारी हो गए, हाँ पानी जाए वाला जिंदगी में देखे है कभू, हम तो देखे नहीं। नारी ये गलत बोलत है, जौन पानी वाला बा ओके नाली कहती, और जौन तोहरे शरीर में बा एके नारी कहती, नारी स्त्री के कहती। भैया हो नर से नारी हो गए, तब लगे बाबूजी सब लोग हंसने की अब ही की मदारी बढ़िया खेल दिखाए से, तब कवि को लिखना पड़ा कहना है। दशरथ वशिष्ठ और श्रृंगी उठाए, हे छूतई नारी तन पाई गए हो बने बाके दुल्हनिया। सुनई वाले बाबूजी जवन दशा नारद जी के उह दशा है नहु सबके, महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि चार के चारों जने डमरू छूते जना जादू यस हो गए बाबा भोलेनाथ के दया दृष्टि से, हाँ माया से अपन माया ऐसन दिखाई दे, क्षमा चाहूंगी बाबा भोलेनाथ के माया शक्ति से चारों जने नर से नारी हो गए जब, तो खेल देखने वाले जनता में बाबूजी ठहाका गूंज गया, हंसी का ठहाका। और तब इधर प्रभु राम सोचते हैं और करते क्या हैं, राम, राम।
अरे शिव के चरित्र लखी के प्रभु सोचे मनावा, अडमरू उठा कर बजाए दिए हो बने बाके दुल्हनिया। श्रीमान राम सुंदर बिंद भगवतीपुर से सादर 101 रुपया, बहुत बहुत सादर नमन, जय श्री कृष्णा। सुने वाले बाबूजी, शिव बाबा भोलेनाथ का ऐसन माया शक्ति देख करके बाल रूपी प्रभु पहुंचे राम और डमरू उठाकर बजाने लगे, कहा देव जाई घरे की। बोले शिव डमरू द जाई व तनवा कर क्रोध प्रभु जी बहाय दिए हो बने बाके दुल्हनिया। एक दाई तो बाबा भोलेनाथ धरती पर पटके रहन तो एक खिनी में से पांच ठिभ रहा, दोबारा जब राम फेंकेन तब फिर से एक में से पांच ठी हो गए। तो जब दो शक्तियों का मेल होता है तो अनोखा खेल होता है। कहा ये हेमन से जवन तुहार असली हो ओके लय जा। तब हुआ क्या, डमरू उठावत बने शिव लुगैया, सीताराम माया दिखाई दिए हो बने बाके दुल्हनिया। प्रभु भी जब अपनी लीला दिखाए तो जैसे ये सब चारों जने वैसे बाबा भोलेनाथ हो गए। जनता कहा जब खेले दिखावे वाला उलट पलट गए, मदारिन के ई दशा हो गई तो हमहू लोग भागी भैया। हाँ हमहू लोग भागी नहीं, नहु से बड़ा मदारी तई है जोन बजावत है। नहीं तो एनहनो के काया पलट हो जाए तब का होए। सुनई वाले बाबूजी, सुंदरीकरण के डर के मारा सब जने भगेन, और जब जाने लगे तब हर बाबा भोलेनाथ जैसे डमरू में हाथ लगाए वो भी जब स्त्री हो गए बाबा। तब विद्वानों ने कहा जाकर सरयू नदी में स्नान कीजिए। सरयू नदी में जाकर के स्नान किए, ओम नमः शिवाय का जाप कराए, और तब जाकर के अपनी माया भगवान भोलेनाथ भी समेटे और प्रभु राम भी। तो जौने जगह पर स्नान किए थे सरयू नदी अयोध्या में, तो उस जगह पर राम का चरण धो करके चरणामृत लोग ग्रहण किए, लीला देखने आए थे, भरपूर आनंद उठाए, और प्रभु राम का चरण धो करके चरणामृत ग्रहण किए बाबूजी, और उसी स्थान का नाम राम घाट पड़ा, जो आज भी अयोध्या में सरयू नदी लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। तो कहीं आज स्नान कर लिया आत्मा के तृप्ति हो गई, देश नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, कहे नहीं असली डमरू तो ले लिया जो नकली बच गया है न उठिए नन। तब बाबा भोलेनाथ कहन की जो भी आएगा मदारी का रूप धारण करके वो भूखन न मरे, ओके सबके दया दुआ अवश्य मिले, ये मेरा आशीर्वाद है। सुने वाले बाबूजी, आज तो मोबाइल का जमाना हो गया, सारी संस्कृति मोबाइल में कैद हो के रह गई। घरे में जैठे परानी है तैठे मोबाइल चाहता, वो 4G से नहीं काम चलाता 5G चाहता। तब मोबाइल में अगर देखब तो आप मिले नहीं, आज के 15-20 साल पहले चाहे शहर हो चाहे गांव हो, गांव गांव मदारी आवे डमरू बजावे खेल दिखावे बानर बनरिया नचावे तमाशा दिखावे और खुशी हो के गांव से जाए बाबूजी। अब एक महीना बाद हमारे गौना माई रहा। हाँ हो गए आवत ही ना भाई कबो कबो। बहुत बहुत भगवान के श्री चरणों में मैं सादर नमन करती हूँ, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया, भगवान की शक्ति में बाबूजी कोई फर्क नहीं है, इंसान के भक्ति में फर्क हो गया बा। भक्ति इंसान के गड़बड़ भई बा, भगवान के शक्ति नहीं गड़बड़ भई बा। जय ही टाइम आए चला जय ही, एक दिन जब हम आप चला जाब तो उन्हन के कौन औकात बा। भैया हो कहना है आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। शंकर भज राम सान पर मिट
लुटी गए तुलसी राम। अरे राम बजाते डमरू भोला दनिया, ए बाबू बजाते डमरू भोला दनिया, लिखे कभी शोभनाथ यार चला घास तू छोला, बजाते डमरू भोला दनिया। जय हो जय हो जय हो प्रभु जय हो। सादर धन्यवाद। अच्छा भैया ये 200 रुपया पुरस्कार आया था श्रीमान तीर्थराज एडवोकेट साहब यूजन सभा जिला सचिव समाजवादी पार्टी बोले तो रहे हमें का सादर 201 रुपया देकर के सम्मान किया गया माननीय श्री तीर्थराज एडवोकेट साहब की ओर से। बहुत बहुत सादर नमन। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।